अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन ग्रुप। आज हम आपको सिखाएंगे बाल वाल को ओपन करने का तरीका। आज हम बाल वाल को ओपन कर रहे हैं ताकि इसकी फिटिंग को, जो सॉकेट वेल्ड है, उसको वेल्ड करवा सकें। सॉकेट वेल्ड फिटिंग को जब फैब्रिकेट करते हैं तो हम लोग उसके अंदर 1.5 mm और 2 mm तक स्टैंडर्ड के हिसाब से गैप रखते हैं। सबसे पहले 4 के 4 नट हम लोग इसके खोल लेंगे। तो इसका फ्लंच खुल चुका है, गैसकेट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दूसरे फ्लंच को भी खोल लेते हैं। दूसरा फ्लंच भी खुल चुका है, इसकी गैसकेट को निकाल लेते हैं और ये बाल वाल की बॉल है जिसकी वजह से इसको बाल वाल कहा जाता है। ये इसका हैंडल है, फिलहाल इसको भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं, असेंबलिंग में दोबारा लगा लेंगे। तो गैसकेट को अब हम लोग निकाल लेते हैं स्केल की मदद के साथ। गैसकेट निकल चुकी है, ये बाल वाल में लगा देते हैं। इसके फ्लेंचेस को हम लोग अभी भेज देते हैं वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग वर्कशॉप में। तो दोस्तों, जो इसके फ्लेंचेस थे बाल वाल के, सॉकेट वेल्ड फिटिंग वाले, वो वेल्डिंग होके आ चुके हैं। हम लोग अभी बाल वाल को रीअसेंबल करते हैं, बाल वाल की बाल को इसके अंदर डालते हैं और गैसकेट की जो राउंड साइड है उसको ही इसके अंदर लगाएंगे। अगर हम लोग फ्लेंच में लगाएंगे तो उसका तरीका भी बताएंगे आपको, लेकिन ये देखें कि ये अभी फ्रीली मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्लेंच में लगाने का जो तरीकाकार है वो हम लोग आपको बताएंगे। तो इसकी जो राउंड साइड है उसको नहीं बल्कि फ्लैट साइड को फ्लेंच के अंदर लगाएंगे। राउंड साइड को दोबारा बाल वाल के अंदर लगाते हैं और इसके जो नट्स हैं वो दोबारा हम लोग लगा देंगे रीअसेंबलिंग में। चारों नट लगा दिए हैं और इनको अब हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से टाइट करेंगे। थ्रेडेड बराबर करने के बाद हम लोग इसको सीक्वेंस के हिसाब से, इसको सीक्वेंस के हिसाब से टाइट करने का मकसद ये होता है कि इसको क्रॉसवाइज टाइट किया जाए। तो क्रॉसवाइज करते हैं इसको टाइट। क्रॉसवाइज टाइट करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका जो सीक्वेंस है नंबरों का वो इक्वल है कि नहीं। हम लोग उल्टा ना लगाएं इसको, इसलिए बेहतर है कि इसके नंबर को भी इसके साथ मैच करें। ये नंबर दोबारा आपको दिखा रहे हैं ताकि इसको बराबर नंबर के हिसाब से ही लगाया जा सके और इसी हिसाब से आप भी लगाएं। तो लगाते हैं
इसको शुरू करते हैं तो ये देखें इसके सारे नंबर बराबर हो चुके हैं। और वेल्डिंग के बाद आप खुद देख सकते हैं कि जो फ्लेंचेज हैं उनके ऊपर का जो सैंड ब्लास्टिंग प्राइमर है वो जल चुका है, जो हमारा पुराना वाल है वो अपने ओरिजिनल कलर में खड़ा है। अगर इसके अंदर गैस किट्स होती तो वो भी जल जाती, इसी मकसद के लिए इसको खोला जाता है। और आप लोग जब भी सॉकेट वेल्ड वाल को लगाएंगे तो उसको ओपन करके ही लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसके अंदर जो रबड़ की और स्पाइरल बॉन्ड की गैस्केट होती है सेमी मेटालिक गैस्केट वो जल जाएगी। हम लोग इसके चारों नट दोबारा लगा देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके चारों नट लगा दिए हैं, अब हम लोग इसको दोबारा अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देंगे ताकि इसके अंदर लीकेज ना आए। तो नट को लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो नट के बाद बोल्ट के जो थ्रेड हैं वो इक्वली बार होने चाहिए। और टाइटनिंग के दौरान भी इसी चीज़ का ख्याल रखें कि हम लोग नट को क्रॉस वाइज ही टाइट करें। और तो दोस्तों हम लोगों ने इसको टाइट कर लिया है और अब लोग हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये हार्डली ओपन होगा, इससे पहले टेस्टिंग के से पहले हम लोग इसकी मेन प्लेट दिखा दें। ये 1 इंच 800 रेटिंग का वाल्व है, हाई प्रेशर वाल्व है। तो इसको ओपन एंड क्लोज करके देखेंगे तो ये हार्डली ओपन एंड क्लोज होगा क्योंकि इसकी गैस किट इसकी फ्लेंचेस के साथ बैठ चुकी हैं। यही मकसद होता है इसको टेस्ट करने का।